ओके okay, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक स्पीयर है स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ रो नाउ दिस इज ए स्पीयर एंड इट हैज गॉट ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ रो दैट मीन्स इसके पास जो चार्ज है और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो कोलम पर मीटर क्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस बी सेंटर लाइज एट ए वैक्टर इज रिमूव फ्रॉम स्पीयर मतलब यहाँ से एक स्पेरिकल शेप का गड्ढा बनाया गया है और उसका जो तो सेंटर है इट लाइज एट ए वैक्टर मतलब इसके रेस्पेक्ट में इस सेंटर को अगर हम लोकेट करेंगे इट इज डन विद हेल्प ऑफ ए वैक्टर ठीक है ना पूछा गया है कि फाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन साइड द स्पेरिकल कैविटी द क्वेश्चन इज एनीयर इन साइड द स्पेरिकल कैविटी है अगर स्पेरिकल कैविटी है इसके अंदर कहीं पर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ ठीक है दैट मीन्स हमारे पास एक स्पेयर है और स्पेयर के ऑल ओवर द वॉल्यूम में हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दिमाग में ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है ठीक है ना इसलिए हमने उस चार्जेस को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया है और गड्ढे के अंदर गड्ढे के अंदर किसी भी जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पूछा गया ठीक है ना तो ये जो गड्ढे वाला प्रॉब्लम्स होता है इसको हम हमेशा एक पर्टिकुलर टेक्निक से सॉल्व करते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ वो हम वो कैसे अप्लाई करेंगे ठीक है वो मैथड क्या है ना ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक स्पीय है जिसमें गड्ढा है हमको क्या करना है ये जो गड्ढा है ट्राई टू इमेजिन इस गड्ढे में हम क्या करेंगे पॉजिटिव चार्जेस डालेंगे और पॉजिटिव चार्जेस डाल डाल के डाल डाल के इस गड्ढे को हम फिलअप कर देंगे ताकि पूरा पीयर में चार्जेस आ जाए ताकि पूरे स्पीयर में जो चार्ज डेंसिटी है वो रो कोलम पर मीटर क्यूब भी मेंटेन हो ठीक है ना हमने इस गड्ढे को पॉजिटिव चार्ज डाल के फिल कर दिया ऐसे इमेजिन करना है ठीक है ओके एंड हमको और एक स्पेयर इमेजिन करना है या और एक स्पेयर बनाना है जिसका साइज एक्जैक्टली कैविटी के साइज़ का हो ये कैविटी का साइज जितना है इस इस, इस नए स्पीयर का भी उतना ही साइज है लेकिन इस स्पीयर में हमने पॉजिटिव चार्ज को नहीं डाला इस पेयर में हमने नेगेटिव चार्ज को डाला किसको डाला नेगेटिव चार्ज को डाला तो इसको हमने भर दिया नेगेटिव चार्ज से ठीक है और डेंसिटी हमने रो ही मेंटेन किया बट यहां का डेंसिटी होगा माइनस रो कोलम पर मीटर क्यूब इज दैट क्लियर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ऐसा करके क्या फायदा देखो एक चीज को ध्यान से ये एक एक्सपियर है कंप्लीट स्पीयर है कोई गड्ढा नहीं इसके पास ये और एक्सपियर है दिख रहा है ना ये छोटा वाला स्पीयर ये और एक्सपियर है और इसके पास भी चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज है अभी ये सोचो कि अगर मैंने इस छोटे वाले स्पेयर को उठा के इस बड़े वाले स्पेयर में सुपर इम्पोज कर दिया इसके ऊपर प्रेस कर दिया तो क्या होगा यहाँ पर जितना क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर उतना ही क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इस स्पेयर के पास भी है तो इस स्पेयर को अगर मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा बेसिकली कैंसिल आउट ई अदर एंड वी शैल गेट बैक कवर इनिशियल स्पेयर विद ए कैविटी इज दैट क्लियर

एक कंप्लीट स्पेयर के अंदर एक कंप्लीट स्पेयर के सरफेस पे, कंप्लीट स्पेयर के बाहर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलस है वो सब हमको पता है एंड दैट इज द रीजन हमने इस प्रॉब्लम को दो कंप्लीट स्पेयर में कन्वर्ट कर लिया एक के पास पॉजिटिव चार्ज एक के पास नेगेटिव चार्ज अभी अगर हमको इस पर्टिकुलर कैविटी में इस पर्टिकुलर कैविटी में मतलब एक्स वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पर X है, इसको रेफर किया इस एक्स वाले पॉइंट पे रिजल्ट एन फील्ड बताना है तो वी शेल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इज दैट क्लियर वी शेल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन विच मीन्स हम इस पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई वन वैक्टर और इस नेगेटिवली चार्ज स्पेयर के लिए यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई टू वैक्टर एंड ई वन वैक्टर एंड ई टू वैक्टर को हम क्या करेंगे वैक्टरिकली एड करके रिजल्ट एन फील्ड निकालेंगे

इस छोटे स्पेयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने कौन सा वैक्टर यूज किया पी वैक्टर यूज किया ठीक है ना इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर है पी वैक्टर इज दैट क्लियर अभी अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कैन यू से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा यहाँ पर प्लस वन कोलम चार्ज है ये भूलो मत यहाँ पर कैसा चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है माइनस रो कोलम पर मीटर क्यूब तो यहाँ पर अगर प्लस वन कोलम चार्ज है ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा दैट इज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ई टू वैक्टर इट विल बी पॉइंटिंग दिस वे इट विल भी पॉइंटिंग टूअर्ड्स दी ऑफ द नेगेटिव रिचार्ज स्पीय ई टू वक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा क्लियर अभी हम लोग फटाफट ई वन वैक्टर एन ई टू वैक्टर का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं कि ई वन वैक्टर का वैल्यू कितना होगा और ई टू वैक्टर का वैल्यू कितना होगा ठीक है ना तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं ई वन वैक्टर कितना होगा पहले तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं फॉर ए पॉइंट इन साइड द स्पीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम उसका डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला था रो आर बाई थ्री एफ नम तो लिखते हैं रो आर बाई थ्री एप्स एल नॉट आर इज द डिस्टेंस ठीक है अभी अगर इस वैक्टर को डायरेक्शन देना है E1 वन का डायरेक्शन ई वन वैक्टर का डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर तो हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दिया आर क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक वैक्टर बन गया जिसको मैं कैसे लिख सकता जिसको मैं रो आर वैक्टर बाई थ्री एप्स नॉट लिख सकता हूँ आ गया समझ में सिमिलरली हम ई टू वैक्टर लिखते हैं

कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनली क्या बन जाएगा माइनस रो पी वैक्टर पी पी कैप के साथ मल्टीप्लाई करने से पी वैक्टर बन जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री एक्सेल एन ऑट तो ये हमको पता चल गया ई वन वैक्टर एंड ई टू वैक्टर का वैक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन ठीक है तो यहाँ पर अभी अगर हमको रिजल्ट एन फील्ड निकालना है दैट इज इफ यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्ट एंड फील्ड तो वो क्या होगा इट इज वेरी बेसिक सिंपल वैक्टर एडिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस प्रिंसिपल प्रिंसिपल सुपर पोजिशन कहते हैं देखते क्या आएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दैट इज रो आर वैक्टर बाई थ्री एफ्स एल एन नॉट प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस रो पी वैक्टर ठीक है ना माइनस रो पी वैक्टर डिवाइडेड बाई थ्री एफसेल एन नॉट ठीक है ओके okay. अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं जो तुमको तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात मेंशन किया गया है कि इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका जो सेंटर है इसको हम ए वेक्टर से पॉइंट कर रहे हैं ठीक है तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो और अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे यू शूड रिमेंबर ट्राइंगल रूल ऑफ वैक्टर एडिशन सो इफ आई सी दिस ट्राइंगल मैं अच्छा चलो यहीं पर ही डायग्राम बना हुआ है अगर इस ट्रैगल को ध्यान से देखोगे पाई ट्रैगल रूल से ए वैक्टर प्लस पी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर समझ में मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए वैक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू वट आर वेक्टर इज दैट क्लियर तो यहाँ से हम पी वेक्टर क्या लिख सकते हैं पी वेक्टर कैन बी रिटन वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ रहा है समझ में मैंने क्या किया पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे उसके पहले रू बाई थ्री एफ एट को हम बाहर रख देते हैं ठीक है ये बाहर आ गया अंदर क्या बचा आर वैक्टर माइनस पी वैक्टर की जगह हम क्या पुट कर देंगे आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर ठीक है और फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा चलो यहाँ लिखता हूँ वैल्यू कितना आएगा दैट इज रो बाई थ्री एफ सेल नॉट आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा so ए वैक्टर तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर दैट इज रो ए वैक्टर बाई थ्री एफ सेल नॉट दिस इज द आंसर नाउ एक बात बताओ इज द आंसर इंटरेस्टिंग इज दर एनी थिंग इंटरेस्टिंग इन दिस आंसर डेफिनेटली यस क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूँ और हो कॉन्स्टेंट थ्री कॉन्स्टेंट एफसेल नॉट कॉन्स्टेंट ए वैक्टर भी क्या है ए वैक्टर भी कॉन्स्टेंट है मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है दिस इज ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझ में आ रहा है दिस इज ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज वेरी इंटरेस्टिंग और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी जे एडवांस में ये एग्जैक्टली यही आइडिया पूछा गया है उसमें ये कैलकुलेशन पूछा नहीं गया था वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था स्टेटमेंट क्वेश्चन था बहुत सारे ऑप्शन थे और ये पूछा गया था कि इस कैविटी के अंदर का फील्ड कॉन्स्टेंट है अलग अलग ऑप्शन थे जिसमें से एक ऑप्शन था कि कैविटी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो डैट वॉज द करेक्ट ऑप्शन और वो इसी लॉजिक पर पेस्ट है ठीक है आई होप सो यू एन्जॉय दिस प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं ओके okay, अभी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं ए स्मूथ शूट इज मेड इन ए डाइलेक्ट्रिक स्पेयर ऑफ रेडियस आर डरो मत मैं वर्ड्स का मतलब समझाता हूँ डायइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग ठीक है ना डायलेक्ट्रिक स्पेयर का मतलब होता है इंसुलेटिंग स्पेयर और स्मूथ शूट शूट का मतलब तुम ये समझो कि हमने एक टनल बनाया है इस मेड इन साइड इंसुलेटिंग स्पेयर ये एक स्पेयर है और इसके अंदर हमने एक टनल बना के रखा है यहाँ पर ठीक है ना ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी रो स्पीय का रेडियस आर है और इसका यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी है रो मतलब ये बात समझो कि इसके पूरे वॉल्यूम में चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसका डेंसिटी रो कोलम पर मीटर क्यूब है तेरे रो कोलम पर मीटर क्यूब आई होप सो तुमको ये बात समझ आ रहा है क्वेश्चन ऐसा है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेसड सेंटर ऑफ द स्पीयर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है ना फाइन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल तो एक माइनस क्यू चार्ज है इसका मास कितना दिया हुआ है इसका मास एम दिया हुआ है इसको सेंटर पर रखा गया है ठीक है ना इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पूछा है टाइम पीरियड पूछा गया है मतलब इट इज इंडिकेटिंग द फैक्ट कि ये पार्टिकल अगर मूव करेगा इट हैज टू बी एन ऑसिलेशन ठीक है क्यों ऑसिलेट करेगा वो देखते हैं अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेके आ जाऊँ से आई हैव डिसप्लेस दिस चार्ज बाई डिस्टेंस ऑफ आर यहाँ पर डिस्प्लेस करके ला दिया और यहाँ से मैंने इसको रिलीज कर दिया तो क्या होगा ये बताओ ध्यान से देखना ये एक माइनस क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पियर है तो इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है यहाँ पर ऐसा फोर्स लगेगा एफ ठीक है और इस फोर्स के कारण क्या होगा ये चार्ज पार्टिकल दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के खुश होके आना चालू करेगा बिकॉज उसका मेन मोटिव क्या उसका मेन मोटिव इस सेंटर तक पहुंचना है ऐसा क्यों बिकॉज सेंटर में जब पहुंच जाएगा ये चार्ज उस पर फ़ोर्स लगना बंद हो जाएगा हमने ऑलरेडी ये सीख के रखा है कि अगर हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्पेयर है जिसमें हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है यहाँ पर ज़ीरो नहीं है बट फाइनली वेन द चार्ज कम्स हीयर उस पर फोर्स लगना ज़ीरो हो जाएगा उसका फोर्स जीरो हो जाएगा उस पर जो फोर्स लगेगा द पॉइंट इज बाय द टाइम दिस चार्ज पार्टिकल डीचे सर ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी उसके पास एक ऑफ मोशन आ चुका हो ड्यू टू विच शूट एहड अब ध्यान से देखो अगर शूट एहड करके वो यहाँ चला जाएगा ये तो भाई एक नेगेटिव चार्ज है ना ये तो एक नेगेटिव चार्ज है ना तो ये सेंटर की तरफ फिर से इसके इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा एफ और ये फोर्स इसको फिर से क्या करेगा रिटार्ड करेगा फिर रिटर्न यहाँ तक लेके आएगा यहाँ पर वो रुक नहीं पाएगा फिर से शूट करेगा एन विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग एंड ऑसिलेटिंग तो मुझे ये टाइम पीरियड पूछा गया है तो दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या ये एस होगा इसका जवाब हमको मिल जाएगा एक बार हम अगर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दें तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या ये एस होगा या नहीं बिकॉज तुमको पता होना चाहिए पता भी होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल एस एच करता है उस पर जो फोर्स लगेगा दैट हैज़ टू बी ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल टू माइनस के आर यहाँ पर हमने आर डिस्प्लेसमेंट मान के रखा है ठीक है तो इसको करने के पहले सबसे पहले ये बताओ कि आठ डिस्टेंस पे यहाँ पर इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ वो होता है रो आर बाई थ्री एफसेल एन नॉट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रो आर बाई थ्री एफसेल एन नॉट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन द माइनस क्यू चार्ज इन दिस केस इज वॉट माइनस क्यू इन टू ई हमने ऐसा लिख के रखा है एंड माइनस क्यू इंटू ई की जगह हम लोग क्या देखते हैं रो आर बाई थ्री एफसेल एंड नॉट एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ध्यान से देखो ध्यान से देखो इज इट ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल टू माइनस के आर के इज ए कॉन्स्टेंट क्या ये ऐसा है इस एक्सप्रेशन का है डेफिनेटली ये क्यू रो थ्री एफसेल एन नॉट दिस आर ऑल कॉन्स्टेंट दैट मीन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वट माइनस आर दैट मीन्स डेफिनेटली डेफिनेटली दिस विल बी एन एस एच ठीक है ना और हमने टेक्निक क्या सिखाया एस एच एम का निकालने का एफ़ को लिख दो एम इन टू एट इज़ माइनस क्यू रो बाई थ्री एफ सेल एन ये हो गया हमारा के इन टू आर ठीक है ना? तो मैंने एक टेक्निक सिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा माइनस आर बाई ए को आइसोलेट करेंगे माइनस आर बाई ए को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा थ्री एफ सेल एन नॉट इं टू एम डिवाइडेड बाई वॉट क्यू इन टू रो ठीक है और माइनस आर बाई ए को आइसोलेट करने के बाद जो भी चीज़ आता है जो भी क्वांटिटी आएगा उसको डायरेक्ट रूट ओवर के अंदर पुट कर दो मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू टू बाई रूट ओवर जो भी आएगा रूट ओवर के अंदर डाल दो एम इंटू एफ सेलन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इंटू रो ठीक है और ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड इजै क्लियर अगर तुम लोग इस मैथड से कस्टम नहीं हो तो इट्स ओके नॉट ए प्रॉब्लम तुम यहाँ पर इसलेशन ए को क्या लिख सकते हो माइनस क्यू रो बाई थ्री एम एफ सेल नॉट एम नीचे आ गया दौड़ दौड़ के और यहाँ पर क्या आ गया आर ठीक है ना इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको हम कंपेयर करेंगे विथ ए इक्वल टू वट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इसके साथ कंपेयर करेंगे ठीक है तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्यू पी बाई थ्री एम एफसेल इन नॉट तो टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड होता है टू पाई बाई ओमेगा दैट इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा करूंगा तो क्या आएगा रूट ऑफ ऑफ थ्री एम एफसेल नॉट डिड बाई व्यू पी ऐसे भी सोच सकते हो इट्स ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम ठीक है ना लेकिन इट्स बेसिकली मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम हमने क्लास इलेवन में एस एच एम सीखा था इलेक्ट्रो स्टेट्स हमने क्लास ट्वेल्व में सीखा और हमने दोनों क्लासेस के कंसेप्ट का यूज़ किया मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम है वेरी नाइस प्रॉब्लम ठीक है ओके okay, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट ऑलरेडी जेई में क्वेश्चन आ चुका है ठीक है क्वेश्चन क्या देखते हैं फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज क्यू टोटल क्यू चार्ज कैरी करता है हम सबको पता है कि सारे चार्जेस सरफेस पे रहेंगे और अगर तुमने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने उस वीडियो में एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होता है फिर भी मैं थोड़ा सा तुमको एक आइडिया दे देता हूँ ये समझ के रखो कि इसके सरफेस में जितने सारे चार्जेस हैं मैंने ड्रॉ नहीं किया क्लमजी हो जाएगा बट इमेजिन करो कि इसके सरफेस पे चार्जेस एंड ऑल दिस चार्जेस आर ऑलवेज इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रिपल्शन इन सारे चार्जेस को अगर मैं फ्री छोड़ दूँ तो सारे चार्जेस कहाँ चले जाएंगे इन्फिनिटी में चले जाएंगे इन्फिनिटी में जाना चाहते हैं तो इसके चक्कर में क्या होता है वेन दे वॉन्ट टू गो आउट इसके चलते दे कॉन्स्टेंटली पुश द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर आउट वर्ड वेन दे पुश द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर आउट वर्ड द इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड उस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है डी एफ बाई डी इज फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा स्क्वायर बाई ट एफ सल एर सिग्मा इज़ इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने ये मान के रखा है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर वी ऑल नो सिग्मा का वैल्यू कितना होगा सिग्मा का वैल्यू होगा क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई आर स्क्वायर कोलम पर मीटर स्क्वायर ठीक है समझ में आ रहा है ओके okay. अभी अगर हमको दोनों हाफ्स में या किसी एक हाफ में फोर्स निकालना है अभी अगर हमको किसी एक हाफ में फोर्स निकालना है तो चलो हम इस हाफ में फोर्स निकालते हैं जो राइट हाफ है जो राइट हाफ में हम फोर्स निकालते हैं तो इसको करने के लिए हम इस हॉराजेंटल हाँ से थीटा एंगल पे कितने एंगल पे हॉराइजेंटल से थीटा एंगल पे हमने एक रिंग को आइसोलेट किया दिख रहा है ये रिंग एक रिंग को हमने आइसोलेट किया ध्यान से देखना ये एक रिंग है ये पीछे का साइड है रिंग का ये सामने का साइड है जो तुमको दिखाई दे रहा है हमने रिंग को आइसोलेट किया और रिंग का जो ये विथ है ये विथ यहां पर कितना एंगल कर रहा होगा ये विथ पर एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा दी थीटा विच मींस इस विथ का लेंथ कितना होगा मुझे पता है कि इस का रेडियस हमने कितना मान के रखा है हमने इस का रेडियस को आर मान के रखा है मतलब ये भी आर होगा एंड वी शुड यूज द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस और ये जो आर्क लेंथ है इसका वैल्यू होगा आर इंटू डी थीटा ओके ओके मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसका जो वैल्यू होगा इन दिस केस दैट इज इक्वल टू आर इन टू डी थीटा आई होप से तुमको ये समझ में आ रहा है ठीक है ना ओके okay. अभी हम ये देखते हैं कि रिंग का जो ये जो छोटा सा पैच ये जो छोटा सा पैच इस पैच में फोर्स इधर लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा लेट अस से दिस फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट डी एफ दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पैच इज दैट क्लियर सो इफ दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पैच इफ दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पैच तो अगर ये थीटा है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं इसको भी हम थीटा कह सकते हैं तो डी एफ का एक कॉम्पोन आएगा डी एफ कॉस थीटा ज दैट क्लियर और डी एफ का दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा इन दिस केस ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इस वाले कॉम्पोनेंट को हम कहाँ लिखे चलो इसको हम यहाँ लिखते ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इन दिस केस दिस इज डी एफ साइन थी आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है सिमिलरली इसके ठीक डायोमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पर भी हम एक पैच चूज कर सकते हैं और इस पर भी एग्जैक्टली exactly इतना ही मैग्नेटिकल फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल में डी एफ कॉस थीटा एंड वर्टिकल में डी एफ साइन थीटा तो ये जो फोर्स है दिस इज डी एफ कॉस थीटा एंड ये जो फोर्स है दिस इज डी एफ साइन थीटा नाउ द पॉइंट इज आइडिया ये है देखो ध्यान से अगर मैं इस रिंग पे देखूँ अगर मैं इन दोनों पैचेस पे जो फोर्स लग रहा हूँ उसको देखूँ तो ये क्लियर है कि ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है दैट मीन्स ये तो मैंने सिर्फ दो पैच कंसीडर किया तो पैच नेक्स्ट पैच में भी इसी तरह फोर्स लगेगा नेक्स्ट पैच में भी इफेक्टिवली इधर ही फोर्स लगेगा इफेक्टिवली इधर ही फोर्स लगेगा इफेक्टिवली इधर ही फोर्स लगेगा इट डोंट नीड टू थिंक अबाउट द वर्टिकल कॉम्पोन बिकॉज ऑल द वर्टिकल कॉम्पोन विल फाइनली कैंसिल आउट तो इस रिंग पे इस रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है वो पहले हम निकाल लेते हैं ठीक है ना इस रिंग पे पहले कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकाल लेते ओके okay, फाइन इस रिंग पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग चलो लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग इन दिस केस इज इक्वल टू व इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉम्पोनेट डी एफ कॉस थीटा दट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा इज दैट क्लियर ओके फाइन डी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिकमा स्क्वायर बाई टाइस एप्सिलॉन नॉट ध्यान से देखो इन टू डी ए का थीटा इज़ दैट क्लियर देखो एक बात समझा देता हूँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देखो अभी इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन हमारा रिंग फिक्स्ड है हम रिंग के अलग अलग जगहों पर जो फोर्स है उस फोर्स का टोटल निकाल रहे हैं ठीक है तो अभी रिंग को एलिमेंट जैसा मत मानना हम इस रिंग के अलग अलग पैचेज में जो फोर्स लग रहा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फॉर दिस पर्टिकुलर रिंग थीटा इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन थीटा एक कॉन्स्टेंट है हम थीडा को वैरी नहीं कर रहे हमारे लिए रिंग फिक्स्ड है हम उस पर फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ठीक है ना तो अभी अगर इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें तो सिकमा स्क्वायर बाय ट्वाइस एफसेलन नॉट इनटू डी ए थीटा तो यहां से इंटीग्रेशन से बाहर कौन कौन जाएगा सिकमा स्क्वायर बाहर आ जाएगा टू एफसेलन नॉट बाहर आ जाएगा थीटा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा डी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बट द एरिया ऑफ दिस रिंग ठीक है ना दैट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग ट्राई ट्राई टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड ये जो रिंग है इस रिंग का रेडियस ये होगा दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग और ये जो रेडियस है रिंग का रेडियस रिंग्स रेडियस ठीक है इसका वैल्यू कितना होगा इस लाइन का वैल्यू होगा अगर ये लाइन आर लेंथ का है तो इस लाइन का लेंथ होगा आर साइन थीटा आई होप सो तुमको ये समझ आया ठीक है तो इस रिंग को अगर हम खोल देते ऐसे, तो इसका जो पेरीफरी है वो इस रेक्टेंगल का बनेगा, 2 radius. Radius इसका होगा आर साइन थीटा हमने जस न और इसका जो विथ है ये आर डी थीटा दैट इज दिथ ऑफ दिसल क्लियर आई होप्स तुमको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ का जो एरिया होगा हम एरिया क्या लिख सकते हैं दैट इज टू बाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इज दैट क्लियर तो यहाँ पर ध्यान से देखना सिकमा स्क्वायर बाय ट्वाइस एफ्स नॉट अगर ओके इंटू थीटा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा विल गैट द एरिया ऑफ द रिंग एंड इन दिस केस द एरिया ऑफ द रिंग एज सिकमा स्क्वायर बाई ट्वाइस एफसेल नॉट इंटू कॉस्थीटा को हमने रख दिया रिंग का एरिया हमने ये निकाल के रखा है दैट इज टू बाई आर स्क्वायर आर के साथ आर मल्टीप्लाई करते और ये बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा ध्यान से देखो ये टू ये टू कैंसल आउट हो जाएगा तो ऊपर कौन बचेगा सिकमा स्क्वायर यहाँ कौन बचा पाई आर स्क्वायर नीचे क्या बचा एप्सैल नॉट नीचे हमने टू से डिवाइड किया ऊपर हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो टू टाइम्स ऑफ थीटा साइनस टू थीटा लिख सकते हैं इंटू दी थीटा दिस इज द फोर्स ऑन द रिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है हमने इस सिंगल रिंग पे तो टोटल फोर्स निकाला है और जब हमने इस रिंग को कंसिडर किया थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा अभी हम क्या करेंगे अभी हम एस बिकॉज हमको इस रिंग पे फोर्स पता चल गया अभी हम रिंग बाय रिंग रिंग बाय रिंग, रिंग थीटा को वेरी करते करते अलग अलग रिंग्स लेंगे उन पे जो फोर्स लग रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इस पूरे हाफ हाफ पोर्शन ऑफ द स्पीयर पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है वो हम निकालेंगे ठीक है ना तो अभी अभी अगर हमको टोटल फोर्स इस हाफ सेक्शन ऑफ द स्पेयर uh, पे निकालना है इस हेमी स्पेयर पर निकालना है तो फोर्स ऑन द हेमी स्पेयर हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना फोर्स ऑन द हेमी स्पेयर इन दिस केस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स ऑन द रिंग ठीक है ना इस रिंग पे जितना फोर्स है वो हम इंटीग्रेट करते जाएंगे तो हमको टोटल हेमी स्पेयर पर फोर्स पता चल जाएगा तो फटाफट इसको लिखते हैं अभी ध्यान रखना अभी जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे ना तो थीटा वैरी करेगा बिकॉज जब हम थीटा को वैरी करेंगे तब ना रिंग बाय रिंग बाय रिंग पहले थीटा जीरो होगा तो ये पॉइंट फिर थीटा ये होगा तो और एक रिंग थीटा और बढ़ेगा तो और एक रिंग तो थीटा का वैल्यू हम कहां से कहां तक वेरी करेंगे थीटा का वैल्यू हम जीरो डिग्री से लेके कहां तक वेरी करेंगे पाई बाई टू तक वेरी करेंगे यहां से लेके पूरा पाई बाई टू तक वेरी करेंगे okay. तो पहले हम ये वैल्यू स्पुट कर देते सिकमा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई टाइस एप्स नॉट इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा साइन टू थीटा इंटू दी थीटा और लिमिट्स होगा कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई बाई टू तक फटाफट ये इंटीग्रेशन करते हैं सिकमा स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एपसेल नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इस माइनस कॉस टू थीटा और एक टू भी नीचे आ जाएगा लिमिट्स होगा जीरो से लेके पाई बाई टू तक ध्यान से देखना माइनस सिकमा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर फोर एफसेल एन नॉट अगर हम लिमिट्स पुट करूँ तो पाई बाई टू पुट करूँगा कॉस पाई माइनस वन माइनस ऑफ कॉस जीरो और एक वन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिक स्क्वायर पाई आर स्क्वायर वन प्लस वन टू ये फोर को कैंसिल आउट करके यहाँ पर सिर्फ बचेगा टू एफ्स एल नॉट ठीक है तो ये हो गया फोर्स ऑन दर इसको अगर और थोड़ा सा तोड़ के लिखना है तो तोड़ के लिख सकते हो डी एफ बाई डी ए सिग्मा के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सीन पाई स्क्वायर आर टू दावर फोर इन टू एंड अगर हम बाकी वैल्यूज पुट करें बाकी क्या बचा रहा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और नीचे कितना बचा है ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट तो कितना बचेगा देखते हैं पाई स्क्वायर चला गया आर सिर्फ टू बचा यहाँ पर तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं दैट इज क्यू स्क् थर्टी टू पाई एफसेलन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई थर्टी टू पाई एफसेलन नॉट इंटू आर स्क्वायर सो दिस इज द फोर्स या तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो तो देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तुमको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा देख रहा है ना ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है बट फोर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट ये पूछा क्या है ठीक है सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तो समझना सो so, इसको यही क्लोज करते फाइन